मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ला अभी तक की सबसे सक्सेसफुल कंपनी कंसीडर की जाती है। ऐसी कंपनी जिसने पहले के समय में बोरिंग समझे जाने वाली इलेक्ट्रिक कार्स को नाउ वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कार्स की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पॉपुलर एंड डिमांडेड कार बना दिया है। 380 बिलियन डॉलर्स की कंपनी वैल्यूएशन के साथ टेस्ला एवरीडे ग्रो कर रही है और अपनी कार्स के इंक्रीज होते मैसिव डिमांड के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए टेस्ला ने इस तरह की फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री बनाई है कॉल्ड गीगा फैक्ट्री। सो इस तरह की फ्यूचरिस्टिक एंड मैसिव फैक्ट्री के अंदर कौन से गैजेट्स इस तरह के सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी मदद से टेस्ला अब एवरी ईयर 350,000 कार्स बना रही है। बट क्या टेस्ला ने इस तरह का वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओनली इंक्रीज होती पब्लिक डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया है? लेट्स फाइंड आउट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, गीगा फैक्ट्री के बनने के बाद से टेस्ला एवरी ईयर 350,000 कार्स बनाना शुरू कर चुकी है। बट सरप्राइजिंगली ये क्वांटिटी भी टेस्ला फैंस की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। बट यदि टेस्ला अपनी पब्लिक डिमांड को 5 बिलियन डॉलर के कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मदद से पूरा नहीं कर पा रही है, तो टेस्ला को एवरी ईयर कितनी कार्स बनानी पड़ेंगी सो दैट वो वर्ल्ड में मौजूद सभी टेस्ला बायर्स को खुश करने के साथ उनकी डिमांड को पूरा कर सकें? वेल, लेट्स सी आप ये नंबर कमेंट सेक्शन में गैस कर पाओगे या नहीं। 3, 2, 1, 20 मिलियन कार्स। यस, बायर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए टेस्ला को एवरी ईयर 20 मिलियन कार्स मैन्युफैक्चर करनी होंगी। हेंस टेस्ला को इस तरह के गीगा फैक्ट्री की जरूरत पड़ी, जिसे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में बनाना टेस्ला कार्स की डिमांड के लिए ऑब्वियस बनता जा रहा है। एंड इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी को अचीव करने के लिए टेस्ला को जस्ट मैन पावर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की मदद लेनी पड़ती है। करंटली टेस्ला ऑलरेडी ऐसी फैक्ट्रीज को बनाने के प्लान पर काम कर रही है। इस तरह की फर्स्ट फैक्ट्री टेस्ला के अदर फैक्ट्रीज के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा। एंड ऐसी ही फर्स्ट फैक्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद है, जो सभी अदर गीगा फैक्ट्रीज के लिए हेडक्वार्टर कंसीडर किया जाएगा। फॉर नाउ वन ऑफ अ काइंड यूएस में मौजूद टेस्ला गीगा फैक्ट्री 24/7 चलाई जा रही है, जिसमें नियरली 7,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। टेस्ला कार्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ गीगा फैक्ट्री इलॉन के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल है बिकॉज गीगा फैक्ट्री में टेस्ला कार्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बैटरीज को भी बनाया जाता है। एंड गीगा फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अमेरिकन एनर्जी रिसर्च के एडवाइजर्स का कहना है कि गीगा फैक्ट्री इस नंबर को भी आने वाले टाइम में इंक्रीज करने के प्लान पर काम कर रही है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऐसी बैटरीज को बनाने का इनिशियल कॉस्ट, जिसे टेस्ला ईयर 2020 में नियरली 750 रुपीज पर किलोवाट तक रिड्यूस कर चुकी है। एंड टेस्ला ने एक्चुअली ऐसी बैटरीज एंड बैटरी सेल को डेवलप करना शुरू कर दिया है जिसे बनाना पहले से काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है। इस तरह की कॉस्ट एडवांटेज टेस्ला को वेरियस एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिनमें इलॉन बैटरीज का यूज़ करने का प्लान बना चुके हैं। ऑल्सो क्या आपको पता है कि रिसेंटली हुए SpaceX मिशन में एप्पल डिवाइसेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? ऑल्सो क्या आपको इलॉन के सीक्रेट टेस्ला रोबोट एंड सीक्रेट बेकरी के बारे में पता है, या फिर इलॉन के प्राइवेट SpaceX स्कूल के बारे में कॉल्ड एड एस्ट्रा, जिसे इलॉन ने अपने स्पेशल बच्चों के लिए बनाया है? टेस्ला एंड SpaceX से जुड़े ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स की वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो यदि आपके पास इलॉन से जुड़े किसी टॉपिक का सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। गीगा फैक्ट्री या फिर अपनी कार्स की बैटरीज को खुद बनाने से पहले इलॉन की कंपनी टेस्ला अपनी बैटरीज के लिए पूरी तरह से पैनासोनिक पर डिपेंड रहा करती थी। यदि पैनासोनिक टेस्ला कार्स के लिए बैटरीज प्रोवाइड कर रही थी तो पैनासोनिक की बैटरीज में क्या इशू था जिसने इलॉन को गीगा फैक्ट्री बनाने के लिए इंस्पायर किया? पैनासोनिक एंड टेस्ला की पार्टनरशिप ओनली बैटरीज के लिए थी एंड पैनासोनिक काफी लंबे टाइम से टेस्ला को ऐसी बैटरीज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते आ रहा था जो टेस्ला कार्स को एक्स्ट्रा पावर की एफिशिएंसी प्रोवाइड करती। बट पैनासोनिक के ऐसे प्रॉमिसेस काफी लंबे टाइम तक ड्यू रहे एंड अभी तक पैनासोनिक ने ऐसे प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया। इसलिए इलॉन मस्क ने टेस्ला के लिए न्यू एंड इम्प्रूव्ड फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया,
जहां पर पैनासोनिक के प्रोमिसेस की हुई बैटरीज टेस्ला ने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ऑल्सो यदि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो काइंडली लाइक दिस वीडियो ताकि फैक्ट्स प्रूफ की न्यू वीडियो आपके रिकमेंडेशन पेज पर आ सके। टेस्ला गीगा फैक्ट्री के 7000 एम्प्लॉयज के साथ सुपर स्मार्ट रोबोट्स की टीम भी काम करती है, जिसमें से कुछ रोबोट्स डिजिटल मैप की मदद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए खुद को ऑपरेट करते हैं। इस तरह के रोबोट्स की मदद से टेस्ला एम्प्लॉयज को कार्स के लिए पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ये रोबोट्स एम्प्लॉयज तक कार्स के न्यू पार्ट्स को लाते और ले जाते हैं, वो भी बिना किसी काम को डिस्टर्ब किए हुए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, टेस्ला के ये रोबोट्स अपने आप पूरे दिन बिना किसी रेस्ट के काम करते हैं। सिंस ये रोबोट्स टेस्ला फैक्ट्री में ऑल डे यूज किए जाते हैं एंड अपना रास्ता डिजिटल मैप की मदद से फॉलो करते हैं, इसलिए गीगा फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को टेस्ला कार्स के पार्ट्स का सही जगह से पिकअप एंड ड्रॉप के बारे में भी नहीं सोचना पड़ता। टेस्ला ने अपनी फैक्ट्रीज को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाने का प्लान रेडी किया है, जिसके अकॉर्डिंग सभी गीगा फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी गीगा फैक्ट्री की रूफ पर लगे सोलर पैनल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसका यूज ऑलरेडी गीगा फैक्ट्री 1 में होता हुआ देखा जा सकता है। सोलर एनर्जी के साथ टेस्ला थर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी के इस्तेमाल से गीगा फैक्ट्रीज को ऑपरेट करेगी एंड एक बार रेडी होने पर इस तरह की फैक्ट्रीज आज तक बनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। इस तरह की मैसिव फैक्ट्रीज को बिल्ड करने के साथ इलॉन मस्क सभी गीगा फैक्ट्रीज को एनर्जी सेविंग फीचर्स के साथ डेवलप करेंगे, जो एवरी वे पॉसिबल हमारे प्लैनेट होम मदर अर्थ को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसा करने के लिए टेस्ला अपनी फैक्ट्री में कंप्रेसर्स एंड हाई टेम्परेचर ओवंस का इस्तेमाल करके कार्स के पार्ट से निकलने वाले हीट एनर्जी को रिमूव करेगी। इस तरह से टेस्ला ना सिर्फ अपने टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर सकेगी, बट ऐसे फीचर्स की मदद से टेस्ला फैक्ट्रीज विंटर सीजन में वार्म रहेंगी, जो एम्प्लॉयज को अच्छा एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो फर्स्ट टेस्ला गीगा फैक्ट्री एक डेजर्ट में बनाया गया है, इसलिए समर सीजन में गीगा फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर हमारे घरों के टॉप फ्लोर पर मौजूद रूम के टेम्परेचर की तरह हो जाता है। इसलिए टेस्ला ने ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी फैक्ट्री में वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया है। टेस्ला के प्लान्स के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेस्ला ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड करेगी, वैसे वैसे टेस्ला अपनी सभी फैक्ट्रीज को इको फ्रेंडली फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर देगी, जो एट द एंड एब्सोल्युटली जीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज कंसीडर किए जाएंगे। ऑल्सो 2020 ईयर में टेस्ला ने फाइनली फर्स्ट टाइम किसी तरह का प्रॉफिट अर्न किया है, जिसका क्रेडिट जाता है गीगा फैक्ट्री 1 को, जिसकी मदद से टेस्ला ने अपने बायर्स के लिए राइट टाइम पर राइट अमाउंट ऑफ कार्स प्रोड्यूस की। गीगा फैक्ट्री 1 की कंस्ट्रक्शन 2015 के टाइम पर शुरू की गई थी एंड टेस्ला ने इस फैक्ट्री को बनाने में अपने पास मौजूद सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत जस्ट एक गोल के साथ हुई थी, दैट इज टेस्ला मॉडल 3 की बैटरीज बनाना, जिसके ऊपर टेस्ला कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता था। एंड टेस्ला मॉडल 3 की फर्स्ट डिलीवरी टाइम से 1 ईयर पहले ही टेस्ला को मॉडल 3 के लिए काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके थे, जिसका ड्रीम इलॉन मस्क ने टेस्ला के लिए हमेशा से देखा था। एंड सिंस ऐसा सक्सेस टेस्ला को मॉडल 3 में मिला, इसलिए टेस्ला के लिए अपने मॉडल 3 को डिलीवरी डेट से पहले या फिर ऑन टाइम रेडी करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। टेस्ला मॉडल 3 कार्स की प्रोडक्शन से पहले टेस्ला ने कार्स के लिए पावर सोर्स जैसे कि पावर वॉल या फिर पावर पैक जैसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें टेस्ला ने मॉडल 3 के एनर्जी स्टोरेज के लिए बनाया, जो मेनली ऑफिसेज या फिर रेजिडेंशियल जगहों पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे। इस तरह के पावर वॉल्स एक तरह के पावर बैंक होते हैं, जिसे किसी भी घर की वॉल पर इस तरह से लगाया जाता है, जिसे पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेनली फॉर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स। बट इस तरह के 16 पावर वॉल्स को एक साथ ज्वाइन करने पे टेस्ला पावर पैक रेडी होता है, जो टेस्ला के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल साइज के घर को 3 डेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। एंड इस वीडियो टाइटल से ये तो ऑब्वियस है कि टेस्ला ने अपना फर्स्ट गीगा फैक्ट्री बना लिया है एंड टेस्ला मॉडल 3 की डिलीवरी को अचीव करते हुए फाइनली टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी होने के कारण गवर्नमेंट से मिलने वाले इंसेंटिव के अलावा फर्स्ट टाइम एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है। सो मॉडल 3 ने एक्चुअली टेस्ला के फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया।
ऑलराइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।